भारत ने आखिरी वनडे में श्रीलंका को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। श्रीलंका को उसी की धरती पर टेस्ट और वनडे सीरीज में ना सिर्फ बुरी तरह से पटखनी दी है बल्कि कई सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी भी छाए रहे और श्रृंखला के खत्म होते होते उन्होंने भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कप्तान विराट कोहली के नाबाद शतक और भुवनेश्वर कुमार के 5 विकेट की बदौलत टीम इंडिया ने 5वें और अंतिम वनडे में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहली बार श्रीलंका को उसकी धरती पर 5 वनडे मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 10 विकेट खोकर 238 रन बनाए। 239 रन के लक्ष्य के लिए उतरी टीम इंडिया ने 46.3 ओवर में जीत हासिल कर ली। भारतीय क्रिकेट इतिहास में ये दूसरा मौका है जब भारत ने विदेशी धरती पर किसी टीम को वनडे में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले विराट की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को उसकी धरती पर 5 वनडे मैचों की सीरीज में 5-0 से हराया था। इस मैच की जीत में भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का भी अहम योगदान रहा। भुवनेश्वर ने 42 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया जबकि सीरीज में सर्वाधिक 15 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज रहे। वहीं से ऐतिहासिक जीत के साथ धोनी ने भी एक रिकॉर्ड बना लिया है। सीरीज के अंतिम वनडे में अकेला धनंजय को स्टंप आउट करने के बाद धोनी ने अपने 100 स्टंप आउट पूरी की और ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले विकेट कीपर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड कुमार संगकारा के नाम था जिन्होंने 99 बार स्टंप आउट किया था लेकिन अब ये ताज धोनी के सिर सजा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।